गुड मॉर्निंग क्लास टू। आज भी आपका कल की तरह क्लास चला है, लेकिन बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, एक दो मैसेज आ रहे थे कि आज क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हो सकता है कोई आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो आपके नेटवर्क में, लेकिन उसी पासवर्ड पे और भी दो दो तीन बच्चे, आज ज़्यादा नहीं हुए, दो तीन बच्चे ही कनेक्ट हो पाए थे और उसी पासवर्ड पे आज क्लास भी लिया गया है। एनीवे कोई बात नहीं, आप नहीं कनेक्ट हो पाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा जिसके चलते आप कनेक्ट नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आज जो पढ़ाई हुई है उसको मैं आज वीडियो बना के आपके इस ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोग को, आज मैं जो आपके इस ग्रुप में, आपके इस क्लास में मैं जो पढ़ाया हूँ वो आपको लेशन 5 से है, जिसका नाम चेसिंग है। आप देख सकते हैं मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये चेसिंग है, और इसमें चेसिंग मतलब ये एक पोयम है, और चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना, है ना। तो इस पोयम में एक बहुत ही अच्छी बात को शो किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि फूड चेन के बारे में, जो कि आप आगे वाले क्लास में आप साइंस में पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन का मतलब होता है कि अपने भोजन के लिए हम जब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, तो वो फूड चेन होता है, जिसके जिसके सहारे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं, तो वो फूड चेन होता है। तो आइए हम इस पोयम को पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पोयम में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए। यहाँ एक क्या है कि एक मेढक है, और एक मेढक जो है वो इंसेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर मेढक के पीछे एक बिल्ली पड़ी है, और बिल्ली के पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है, और कुत्ते के पीछे एक शेर पड़ा है। जस्ट इसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, अ बिग फ्रॉग वॉज इन सर्च ऑफ इंसेक्ट्स एंड ही कुड नॉट फाइंड एनी, देयर केम ए पुशी कैट। तो एक बड़ा सा मेढक, वो क्या था कि कीड़े की तलाश में था, एक बड़ा सा मेढक कीड़े मकोड़े की तलाश में था, उसे कहीं से मिल नहीं रहा था। ही कुड नॉट फाइंड एनी, वह एक भी अभी प्राप्त नहीं कर सका था, एक भी कीड़े को अभी नहीं प्राप्त कर सका था। तब तक क्या हुआ कि एक पुशी कैट उसके पीछे पड़ गई, है ना, एक पुशी कैट उसके पीछे आ गई। पुशी मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्ली को कहते हैं, उसका नाम है यहाँ पे पुशी कैट, तो बिल्ली के पीछे पड़ गई। फिर द पुशी कैट वॉज इन सर्च ऑफ फ्रॉग, शी कुड नॉट फाइंड एनी, देयर केम ए बुशी डॉग। तब तक क्या होता है कि वो पुशी कैट जो है वो अभी मतलब मेढक के पीछे, द पुशी कैट वॉज इन सर्च ऑफ फ्रॉग, वो पुशी कैट जो थी वो मेढक के पीछे पड़ी हुई थी, है ना, वो उसकी तलाश में थी। शी कुड नॉट फाइंड, लेकिन अभी उसे कोई मेढक मिला भी नहीं था। तब तक क्या हुआ कि एक बूशी डॉग वहाँ पे पहुँच आता है, मतलब बूशी डॉग का मतलब झबला कुत्ता जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, तो वो वहाँ पे पहुँच आया और वो उसके पीछे पड़ गया। द बूशी डॉग वॉज इन सर्च ऑफ ए कैट, अब वो झबला कुत्ता जो था वो तलाश में था वो बिल्ली के, और वो बिल्ली के पीछे पड़ गया। ही कुड नॉट फाइंड एनी, अभी उसे एक भी बिल्ली मिली भी नहीं थी। तब तक देयर केम ए बिग लायन, तब तक एक बड़ा सा शेर उसके पीछे आ पड़ गया। तो द लायन रैन आफ्टर द डॉग, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। तो शेर जो था वो कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ था, और जो कुत्ता जो था वो बिल्ली के पीछे पड़ी हुई थी। द कैट रैन आफ्टर द फ्रॉग, और जो बिल्ली जो थी वो मेढक के पीछे पड़ी हुई थी। और इसके बाद द फ्रॉग रैन आफ्टर द इंसेक्ट, और मेढक जो था वो इंसेक्ट के पीछे पड़ा था। तो बस यही कुछ है इस पोयम में। इस पोयम में, छोटे से पोयम में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। मैसेज ये है, वही मैं पहले बताया कि फूड चेन का मैसेज है। फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला, सभी जानवर सभी जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, और यही इसी पे वो अपना अपने भोजन की जो आपूर्ति है उसको वो पूरा करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप अपने घरों में भी फूड चेन को देख सकते हैं, जैसे कि घर में जैसे दीवार पे बहुत सारे कीड़े लाइट पे लगते रहते हैं, तो उसके पीछे आपको छिपकली पड़ी रहती है, तो छिपकली जब उसके पीछे पड़ती है तो ये भी हमारे घर में एक छोटा सा आहार श्रृंखला हो गया। ठीक उसी तरह से आप एक दूसरा आहार श्रृंखला भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर मेढक के पीछे सांप पड़ा हुआ है, सांप के पीछे नेवला पड़ा हुआ है, और नेवले के पीछे भी कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, तो वो भी एक मतलब क्या हो गया कि वो भी आपका एक छोटा सा आहार श्रृंखला हो गया। तो जस्ट बस यही बात थी, इस पोयम के सहारे मैं इसी चीज को बताना चाह रहा था।
और कुछ नहीं है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो भी आप करें समय से ज्वाइन करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा पहले भी चेक कर लें कि क्या ये पासवर्ड सही है या नहीं है। लेकिन पासवर्ड बिल्कुल मेरा सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था इसके लिए। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो पासवर्ड की तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। आपको SW इसी ग्रुप में आपको थोड़ी देर में सेंड कर दिया जाएगा। नमस्ते।